नमस्कार दोस्तों नौकरी जानकारी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स के अंदर निकलने वाली सीधी भर्ती 2020 के बारे में यहां पर दोस्तों वैकेंसी आपको बता दूँ कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है लगभग बारह से पंद्रह अलग अलग, अलग पदों के ऊपर ये वैकेंसीज रहने वाली है और इस भर्ती के अंदर पदों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ड्राइवर और सुपरवाइज़र स्टोर कीपर इस तरह के पद यहाँ पर मिल रहे हैं भर्ती योग्यता के बारे में बात करें तो कुछ पद ऐसे हैं जिनके अंदर दसवीं पास योग्यता रखी गई है अगर दोस्तों आप ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास दसवीं पास योग्यता होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हेवी व्हीकल और इसी के साथ ही आपको वाहन चलाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहीं पर इस भर्ती की पूरी डिटेल से हम जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि आप इस भर्ती से अच्छी तरह से अवगत हो सके तो चलिए बिना किसी समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहाँ पर आपको हम बताएंगे पूरे पोस्ट के बारे में कौन कौन से पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है यहाँ पर दोस्तों हम बात करें तो देख सकते हैं टोटल पोस्ट कितने प्रकार के पदों पर वैकेंसी है तो यहाँ पर आपको बता दें पहले कि कितने प्रकार के पद यहाँ पर आपको मिल रहे हैं तो लगभग दस से बारह प्रकार के अलग अलग की पोस्ट है यहाँ पर आपको मिल रही है तो बता दे देते देख देख तो टोटल चौदह प्रकार के अलग अलग वैकेंसी आपको मिल रही है तो शुरू से हम बात कर लेते हैं एक नंबर पोस्ट कौन सी आपको मिल रही है तो आप देख सकते हैं वेटनरी ऑफिसर की एक नंबर की पोस्ट आपको मिल रही है यहाँ पर आपको देख सकते हैं डिग्री इसके अंदर मांगी गई है दो साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है सेकंड नंबर जो वैकेंसी मिल रही है वो मिल रही है केमिस्ट की यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता इस भर्ती में रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की भी पोस्ट आपको यहाँ पर मिल रही है साइंटिस्ट की भी यहाँ पे पोस्ट है आपके लिए इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं हम नीचे वाली पोस्ट की जहाँ पर दसवीं और बारहवीं पास योग्यता रखी गई है तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट हम दस से बारह नंबर जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपके लिए कौन कौन सी रहने वाली है बात कर लेते हैं दोस्तों लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ल्ड की भी आपको को ऑफिशियल वैकेंसी जो आपको यहाँ पर मिल रही है असिस्टेंट इस्टोर्ट्स ऑफिसर की भी यहाँ पर वैकेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर की डिग्री इस भर्ती के अंदर मांगी गई है तीन साल का एक्सपीरियंस इस भर्ती से आपको मांगा गया है टेक्निकल असिस्टेंट ई की भी यहाँ पर पोस्ट है इसी के साथ बात करें तो यहाँ पर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की भी पोस्ट आपको मिल रही है हम बात करने वाले हैं डॉक्टर की साथ ही हम यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्टोर कीपर की भी आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल रही है लेवल सिक्स के साथ पे मेट्रिक आपका रहने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोर कीपर के लिए डिग्री इन फार्मेसी के अंदर मांगी गई है यहाँ पे आपको पास स्टोर कैपर का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है प्रोग्रामर की पोस्ट है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब ड्राइवर की पोस्ट आपको कितने नंबर पर मिल रही है वृक्षॉप असिस्टेंट की भी टोटल यहाँ पर वैकेंसीज आपके लिए रखी गई है तो दोस्तों नीचे आप जब चलेंगे तो आपको बत्तीस नंबर पर ड्राइवर की पोस्ट मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल टू इन द पे मेट्रिक के तहत रहेगी यहाँ पर हम बात करें ड्राइवर की पोस्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास वेली ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ड्राइविंग हेवी व्हीकल का नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म का आपको मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान होना चाहिए तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसी के साथ आपके पास दसवीं पास की योग्यता होनी चाहिए इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल दस पदों पर वैकेंसी है और आपका जो सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका ड्राइवर की वैकेंसीज में सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों पूरी पीडीएफ फाइल मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा वहाँ से आप इस भर्ती की अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करिएगा उसके बाद अपना फॉर्म फिल करिएगा जय हिंद जय जे भारत वंदे मातरम